आज की दरबार की प्रथम अर्जी में सीताराम बालाजी के चरणों में तीन नाम आए हुए हैं जिनमें हम बुलाते जाएंगे, जिनको बुलाएं। पहली अर्जी आई है मुकेश नाम की, मुकेश नाम की बीचों बीच बैठे हुए हैं, वो आ जाएं। हाँ, सफेद वस्त्र पहने, टी शर्ट पहने मुकेश बैठा हुआ है, आ जाएं। झोली माला होनी चाहिए मुकेश के पास, झोली माला होनी चाहिए उसके पास में, है क्या? है, आ जाए आ जाए। बेल्ट है, चमड़ा का पर्स है, तो आप वहीं रखो। अच्छा मुकेश बाबू, आप सभी राम राम का जाप कीजिए, प्लीज शोर ना कीजिए। राम राम के जाप से आपकी अर्जी स्वीकार होगी, शोर करने से आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होने वाली है। तो सभी मन में राम राम का जाप करेंगे और कृपया करके कोई भी शोर ना करे। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। बोलो क्या बात। हाँ पूछो, जल्दी पूछो, थोड़ा जल्दी। आप सब हमने लिख लिया, पूछो प्रश्न, पूछो, हमें समय देना। ये काम धंधा नहीं चल रहा थोड़ा जी। काय का है प्यारे काम? कैसा फंसा है? काय का काम है? हमारा पहले ऑटो पार्ट्स का था, फिर रेस्टोरेंट था, दोनों काम फेल हो गए जी। पैसा फंस गया। हमने लिखा परेशान है, काम बंद हो गया, कैरियर में क्या करें, ऐसी अर्जी लेकर आए हैं। व्यापार में ही आपको कृपा होगी, आगे आर्थिक उन्नति होगी, ईंटा भट्टा का काम शुरू कर दें, नया काम क्या करें ये पूछने आए थे। ईंटा का कार्य अथवा दुकान शॉप का काम, इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रारंभ कर दें, 8 माह बाद योग बन रहा, तेज चलेगा, आशीर्वाद है। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। जो रुपया फंसा है आपका, उसको प्राप्त करना चाहते, उसकी भी अर्जी स्वीकार है, 1 वर्ष का समय लगेगा, वो भी मिल जाए। बागेश्वर धाम की, गुरुदेव महाराज की, सन्यासी बाबा की जय। हमने जय सीताराम नीचे मंत्र लिख दिया, 3 माला, आज से बुद्धि ठीक रहे, कवच हम धाम पे दे देवी, आशीर्वाद। उठो बोल बालाजी सरकार की, वो सन्यासी बाबा की।